नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबा कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करें, कथा प्रवक्ता पंडित यीशु महाराज उपाध्याय। ज्येष्ठ रात्रि पूर्णिमा व्रत 21 जून शुक्रवार को और ज्येष्ठ दिवा पूर्णिमा व्रत 22 जून शनिवार को। आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें यह अचूक उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के विषय में पंडित यीशु महाराज जी ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया जाता है और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ना अथवा सुनना या पूजा करवाना बेहद शुभ होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून शुक्रवार सुबह 7:32 पर शुरू होगी और 22 जून शनिवार सुबह 6:38 पर समाप्त होगी। जो भक्तजन रात्रि पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह 21 जून शुक्रवार को रखें और जो भक्तजन दीवा पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह 22 जून शनिवार को रखें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। कांता गजबीय और दीपक राणा के द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उकवा में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचार्य श्री आर भटेरे जी के मार्गदर्शन में योगाभ्यास प्रारंभ होने के पूर्व सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं, उकवा सरपंच तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में शिक्षा की देवी माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात शिक्षक डीके रामटेके के द्वारा बताया गया कि योगा को अपने जीवन में अपना तनाव मुक्त और निरोगी जीवन जी सकते हैं, इसके लिए रोजाना योग करने की आवश्यकता है। और भी आगे क्या कहा देखिए इस खबर में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरे विश्व में आज योग का कार्यक्रम संपादित किया गया और शासन के मंशानुसार हमारे विद्यालय में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में समस्त स्टाफ एवं छात्रगण छात्राएं और हमारे गांव के गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिक, उकवा की प्रथम नागरिक सरपंच आदरणीय भावी नागरिक है और वे भावी नागरिक यदि स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा। इस उद्देश्य से हमने बच्चों को पूरा योग के बारे में प्रेरित किया और बच्चों को आगे भी इस कार्यक्रम को, यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको प्रतिदिन नित्य सुबह उठकर योगाभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित किया गया और उसके पश्चात योगाभ्यास को समाप्त किया गया। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ।